पूरे देश के लिए आज गर्व की बात है और उससे भी ज्यादा गर्व की बात है लखनऊ के नवयुग कॉलेज का, जहां पर ये टीचर्स हैं जो अपने बच्चों को तैयार करती हैं और वही बच्चे देश का नाम रोशन करते हैं, उनके ऊपर प्राउड है। हम इस समय मौजूद हैं और ये वही टीचर हैं, ये वही नवयुग कॉलेज है जहाँ की डायरेक्टर ऋतु परिधान है। साफ तौर से इन सब के चेहरे पे आज खुशी है, बच्चे भी वही मौजूद हैं। इन सबसे पूछते हैं, मैम क्या नाम है आपका और क्या है आप यहाँ पर? मेरा नाम डॉक्टर सीमा सिंह है, मैं आप बताना चाह रही हूँ। मैम आज का दिन आपको कैसे महसूस कर रही हैं, चूँकि एक बड़ा दिन है आपके लिए स्पेशली, चूँकि आप प्रिंसिपल हैं यहाँ की और आपकी ही एक स्टूडेंट जाके इतना बड़ा काम अगर गर्व करवाती है देश पर? केवल नवयुग के लिए नहीं, पूरे देश के लिए और विश्व के लिए गर्व की बात है और बच्चों का उत्साह यहाँ देखते बन रहा है और लगभग सारे ही बच्चे कह रहे हैं कि हमें भी ऋतु मैम की तरह बनना है। ये बहुत बड़ी बात है ये हमारे यहाँ टीचर्स के लिए और विद्यालय के लिए। क्या मैम आप लोग कैसे पढ़ाती हैं बच्चों को, कैसे ट्रेन करती हैं कि जाके देश का इतना बड़ा नाम करते हैं? सर ये तो हमारी किस्मत है, भाग्य है। वैसे हम पूरी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में कि वो अपना 100% दे सके और हम भी अपना 100% देते हैं। और आज जो ये मोमेंट था जिस समय विक्रम ने सॉफ्ट लैंडिंग की मून पर, हमारे लोनार पर, तो वो एक कैप्चर हो गया ही हमेशा के लिए मेमोरी और हमेशा साथ में रहेगी। और जिस तरह से भाई आज चंद्रयान लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3, तो बहुत खुशी की बात है। और ये हमारे देश जो है ये चौथे नंबर पर आ गया है, अब अमेरिका, चीन और रूस के बाद फोर्थ नंबर पे इंडिया हो गया है जिसने चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया, और साउथ पोल पे तो फर्स्ट नंबर पे आ गया है लॉन्च करने वाला। तो बहुत प्राउड का मोमेंट है, बहुत खुशी है। क्या कहेंगी मैम, चूंकि बच्चे जब यहाँ से पढ़ के निकलते हैं और इस तरीके के प्राउड मोमेंट आप लोगों को मिलते हैं, आपको लगता है कि लखनऊ का नाम आज पूरे देश में लिया जा रहा है और स्पेशली इस नवी इंटर कॉलेज का जहाँ पर छात्र पढ़ते हैं? यस सर, ये तो पूरे देश के लिए खुशी की बात है लेकिन नवयुग के लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट हो गया है। ऋतु करधल जी जो इस स्कूल की पूर्व छात्रा रही हैं, उनकी वजह से आज बच्चे भी अपना सपना एक सजो रहे हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट बनने का, उन्हीं की तरह कुछ मिशन को टारगेट करके पूरा करने का। और बच्चों से भी एक ले लेते हैं सवाल, ये बताइए बेटा आज आपने देखा, आज शाम तक आप रुके स्कूल में यहाँ पर, कैसा लगा आपको और आपकी ही कॉलेज की जो छात्रा थी आज उन्होंने इतना बड़ा करके दिखाया, क्या कहेंगी? बहुत प्राउड है मुझे कि मैं नवयुग कन्या विद्यालय की छात्रा हूँ और मैं उसी विद्यालय में हूँ जिस विद्यालय से ऋतु करिधान जी पढ़ के निकली हैं। और मुझे गर्व है कि उन्होंने, मेरा भारत अब चौथे नंबर पर आ गया, वैसे साउथ में तो सबसे फर्स्ट नंबर पे, मुझे बहुत गर्व है। क्या कहेंगी छात्र जो टीचर हैं यहाँ की, जैसे पढ़ाती हैं और आप भी उसी श्रेणी में, यानी कि आपको भी गर्व होगा कल आप कहीं बाहर जाएंगी, आप नाम लेंगी नवयुग का, कितना गर्व महसूस करेंगी? जी सर बहुत गर्व महसूस करेंगे हम, जैसे कि ऋतु करिधान जी हमारे कॉलेज से निकली है पढ़ करके, वैसे हम लोग भी सोचेंगे कि हम लोग भी आगे जाके उन्हीं की तरह साइंटिस्ट बने और हम लोग की मैम भी सपोर्ट करती हैं। वैसे लखनऊ के लिए बहुत गर्व की बात है और नवयुग के लिए तो बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि वो हम लोग के कॉलेज से अब निकल कर इतनी बड़ी साइंटिस्ट बनी है। एक छोटी बच्ची भी आप भी आगे आई है, क्या नाम है आपका? सादिया। सादिया क्या आप बनना चाहेंगे आगे चल के, पहले तो ये बताइए और आज का दिन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आज का दिन और मैं भी आगे चल के ऋतु ढाल करके बनना चाहूंगी। अरे वाह बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए जो छात्रों में उत्साह है, जो छात्राएं हैं उनमें उत्साह है, जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो उत्साहित है क्योंकि ऋतु करिधान के बारे में जब सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं रोमांचित होते हैं कि वो स्टूडेंट जो जिसने पूरे देश में नाम किया है, आज नवयुग का भी नाम पूरे देश में हो रहा है और हर छात्र अब डॉक्टर ऋतु करिधान की तरह बनना चाहता है और साफ हो गया है कि इस स्कूल की कहीं ना कहीं आज अपने आप में गर्व महसूस कर रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव आज तक।